बार की बात है, एक गांव में मोहन अपनी पत्नी माया और अपने दो बेटों के साथ रहता है। मोहन का बड़ा बेटा राम और छोटा बेटा श्याम है। राम बड़ा संस्कारी बेटा है, शहर में नौकरी करता है, अच्छे पैसे कमाता है। और छोटा बेटा श्याम थोड़ा निठल्ला है, लेकिन धीरे धीरे पिता के साथ उसके व्यवसाय में लग जाता है। कुछ दिनों के बाद माया के बड़े बेटे राम की शादी हो जाती है। राम की शादी पूजा नाम की एक बड़ी ही संस्कारी लड़की से होती है। लड़की बड़ी संस्कारी है, घर का सारा काम काज करती है, लेकिन माया के मन में एक ही लालच है कि बहू पता नहीं कितना दहेज लेकर आएगी, आएगी भी या नहीं लेकर आएगी। पूजा के घर में आते ही चारों ओर खुशियां छा जाती हैं। शुरू शुरू में तो माया पूजा के साथ बड़े प्यार से रहती है, हमेशा प्यार से उसके साथ बातें करती हैं। घर के सभी मेंबर बहुत खुश थे, सभी को बहुत खुशी थी शादी की। पूजा बेटे, घर का कामकाज अब सारी जिम्मेवारियां तुम्हारी हैं। सुबह का खाना बनाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, अब सभी तुम्हारी जिम्मेवारियां बनती हैं। तुम सारा कामकाज देखा करो, मेरा भी ख्याल रखा करो और परिवार का भी ख्याल रखा करो। बेटा राम, अब तुम्हारी शादी हो गई है, परिवार की जिम्मेवारियां तुम्हारे सिर पर हैं। तुम अपना ख्याल रखा करो और परिवार का भी। पूजा की जिम्मेवारी भी तुम्हारे सिर पर है। तुम्हारी मम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती है, वो तो हमेशा पैसे का लालच करती है, तुम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। अरे बेटा पूजा, तुमने झाड़ू नहीं लगाया घर में अब तक? सारा दिन क्या करती रहती हो, काम में तुम्हारा ध्यान नहीं है, सारा घर का काम ऐसे ही पड़ा है, पता नहीं क्या करती रहती हो सारा दिन। सुबह जल्दी उठा करो, फोन पे कम लगा करो, सारा दिन फोन पे लगी रहती हो तुम। अरे माँ जी, मेरे सर में आज बहुत दर्द है, जिस कारण मैं आज झाड़ू नहीं लगा पाई। हर रोज तो मैं काम करती हूँ, आज अगर लेट हो गया तो क्या हुआ? आज आप झाड़ू लगा लेते, मैं तो हर रोज झाड़ू लगाती हूँ, सारा काम करती हूँ, दिन भर काम में लगी रहती हूँ। अरे ये कल मुही कुछ भी काम नहीं करती, झाड़ू भी मुझे खुद लगाना पड़ रहा है, सारा दिन फोन पे लगी रहती है, पता नहीं किससे बातें करती रहती है। दहेज में भी कुछ नहीं लेकर आई, सामान भी कुछ नहीं लाई, ऐसे ही आ गई थी। थोड़े दिनों के बाद श्याम की शादी हो जाती है, लेकिन श्याम अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करता है। जो लड़की उसे पसंद थी उसी लड़की से वो शादी कर लेता है और उसको शादी करके घर लेकर आ जाता है। पायल बेटा, तुम ठीक हो? पूजा तो सारा दिन काम भी नहीं करती, सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है। तुम काम भी करती हो, घर का ख्याल रखती हो, मेरी बात मानती हो, वो तो कलमू ही मेरी बात भी नहीं मानती। पूजा तुम सारा दिन क्या करती रहती हो, घर का काम भी नहीं करती, सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती हो, सारा दिन फोन पर लगी रहती हो, ना खाना बनाती हो, ना झाड़ू लगाती हो, ना ही शाम का खाना बनाती हो, ना सुबह का नाश्ता बनाती हो, सारा दिन फोन पर पता नहीं अपनी माँ से क्या बातें करती रहती हो, पता नहीं तुम्हारी माँ तुम्हें क्या सिखाती रहती है सारा दिन फोन पर। कभी इस फोन को छोड़ भी दिया करो, घर के काम में मन लगाया करो, घर का काम काज देखा करो। माँ जी, मैं तो सारा दिन काम करती रहती हूँ, काम में भी सारा दिन लगी रहती हूँ, फिर भी आप मुझे ताने देते रहते हैं, दहेज के ताने देते रहते हैं आप मुझे, मेरी माँ का नाम लेकर मुझे ताने देते रहते हैं। दहेज में तो मैं लेकर आई थी, मेरे माँ बाप गरीब हैं, जितना उनके पास था उन्होंने मुझे दिया। आओ दीपक भाई, तुम तो बड़े दिनों के बाद आए, तुम्हारी पत्नी और बच्चे भी हमारे घर बहुत दिनों के बाद आए,
हमारे घर के तो हालात बड़े खराब हैं। जिस दिन से बड़े बेटे की शादी हुई, उसकी पत्नी पूजा सारा दिन पड़ी रहती है, काम भी कुछ नहीं करती, हमारा कहना भी नहीं मानती, मनमर्जी करती है अपनी। माया, जमाना बड़ा खराब है। तुम अपनी बहू के साथ झगड़ा मत किया करो। कोई बात नहीं, क्या हुआ? काम कम भी कर लेती है तो क्या हुआ? दहेज अगर कम लेकर आई है तो क्या हुआ? तुम उसको ताने मत दिया करो। झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, बहुओं के साथ मिलकर रहा करो। इस प्रकार अपनी बहुओं से झगड़ा करके अपने संबंधों को खराब कर लेती है। हमेशा बहुओं को ताने देती रहती है, उनके साथ लड़ती रहती है, जो अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पैसे से ज्यादा अपने रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए और पैसों के लालच में अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए।